तो हो सकता है कि झटका लगा सपा का, तो सपा वाले कायदे मतलब अगर दे जाए तो उतने दुनिया जीत सकता है, तो भाजपा के धरोहर नहीं है। क्या लग रहा माहौल इस बार? अरे बीजेपी इतना काम कर दी तो कुछ कहा कि नहीं। क्या काम करी सर? बहुत काफी सब सड़कें बनी बनी देख ली। हाँ। तो अच्छे हैं, उनकी कहानी भी अच्छी। हाँ। बुढ़ापा भी अच्छा, जवानी भी अच्छी, जमाना भी अच्छा, जुबानी भी अच्छी। हाँ। जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी। बाराबंकी में कौन अच्छा है? अब बाराबंकी में तो अभी इस समय भाजपा चल रही है, हमका तो वही अच्छी है। तो हमने कहा दादा सबसे पहले राय ली जाए, दादा क्या लगता है इस बार बाराबंकी में गठबंधन का प्रत्याशी तो आपके सामने आ गया है? हाँ, तनु पुनिया। हाँ, तो बीजेपी भारी रहेगी यहाँ पर या फिर गठबंधन का? देखो इनका बात तो दुरुस्त या कहेंगे हम। हाँ। कि आपकी मामला जो है बहुत कांटे का है। कांटे का? हाँ, क्योंकि तनु पुनिया कई बार शिकस्त नहीं खाया है, कम वोटों से हारा है। जयपुर से? हाँ, जयपुर से, और उनके पीएल पुनिया का लड़का है। हाँ। कांग्रेस में एक बार हो चुका है यहाँ पर। हाँ। उनके बाप सांसद कांग्रेस से। हाँ। तो हो सकता है कि झटका लगा सपा का। हाँ। तो सपा वाले कायदे मतलब अगर दे जाए तो तनु पुनिया जीत सकता है, क्या कहूँ मैं, तो भाजपा के धरोहर नहीं है, न प्रियंका का है और ना उपेंद्र का। हाँ, अभी वो बिकाऊ वोट है तो मालूम है। क्या नाम दावा जी? हमारे सुरेश मौर्या जी। क्या लग रहा है इस बार माहौल? बढ़िया माहौल है। किसका है? भाजपा का। तो कह रहा था बिकाऊ है। अरे तो फिर अपने अपने मत की बात है। हाँ। जी के जत्ता विचार है वत्ते तो बोल सकत है। अच्छा, बीजेपी किस लिए बाबा जी? बीजेपी काम के हिस्से का। अच्छा, आप बाबा आप बीजेपी की बात करेंगे? नहीं, यह बात नहीं है। जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी। हाँ। बुढ़ापा भी अच्छा, जवानी भी अच्छी, जमाना भी अच्छा, जुबानी भी अच्छी। हाँ। जो अच्छे हैं उनकी कहानी भी अच्छी। बाराबंकी में कौन अच्छा है? अब बाराबंकी में तो अभी इस समय भाजपा चल रही है, हमका तो वही अच्छी है। और ये गठबंधन पीएल पुनिया जी अपने लड़के को उतारे मैदान में, तो ठीक है, वही जैसा किए हैं वही है, उनका प्रणाम मिल जाए, और जो ऐसा ही किए वही है उनका मिल जाए। आपके हिसाब से क्या लगता है? हमारे हिसाब से तो यही लगता है कि विकास हुआ बाराबंकी में। नहीं, विकास काफी हुआ है बाराबंकी। क्या चाहती बाराबंकी जनता? बाराबंकी की जनता बढ़िया हो का चाहती है? आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते थे कि भाजपा हुआ। अच्छा, भाजपा को चाहते हैं। दादा आपने भी बिकाऊ वाली बात कही है। अरे सारे बिकते तो वही है। ये बाबा का रंग लगे उसको धारे वो। हाँ, हाँ, ये बैकवर्ड नहीं है। हाँ। ये हरामी है। अरे आप तो भाई बात अलग करने लगे। दादा आपसे बात करेंगे, दो मिनट आ जाइए। आपसे दो लाइन बस बाराबंकी के बारे में आपसे। हम क्या बता दे, क्या लग रहा है माहौल, कैसा लग रहा है? हम भैया नहीं जाने। अरे फिर भी क्या लग रहा है? हम क्या बता दे। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस है गठबंधन में, क्या लगता किसका पड़ रहा भारी? अब हम की का बता दे भैया, क्या लगता है आपके हिसाब से? बताइए अपनी राय दीजिए। अरे है तो भाजपा का। भाजपा का ना? आप देखो, आपने बताया खुल के कि भाजपा का है। हुँ? फिर भी क्या लग रहा? फिर का लगे का लगे गठबंधन? तनु सुनिया आ रहे हैं, साइकिल और पंजा एक हो गया है। हुँ? कुछ दिखेगा? हाँ, लेकिन भाजपा आगे रही। भाजपा के विकास हुआ बाराबंकी में? जौन हुए तो करबे करिए। चलो भाजपा का दो लाइन आपसे बात करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? शुभ नाम श्री कृष्ण। बाराबंकी का माहौल जानने हम आए हैं। अब हम बताने को भाई। तो बाराबंकी में ये बताओ कि बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, तनुज पुनिया कांग्रेस से हैं और बीजेपी का चेहरा रहेगा, तो क्या लगता है ये साइकिल पंजा एक हो गया है तो बीजेपी को टक्कर दे पाएगी? ना दे पाएगी। कारण क्या है दादा? अब कारण क्या बताइए भैया। आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि सरकार, आप कौन सी सरकार चाहते हैं? तो चाहे तो कांग्रेस हो जाए ज़्यादा ठीक। अंदर की बात आपने बताई है। या हो जाए ज़्यादा ठीक, लेकिन अब जो उन्हें कुछ हुए तो वह सब ठीक। कांग्रेस किस लिए दादा? कांग्रेस मतलब बहुत बढ़िया चीज रहा है। हाँ, कांग्रेस में। हाँ। और भाजपा? अरे भाजपा तो 2000 जीत तो वही सब ठीक है। अच्छा, आप दोनों में खुश हैं? नहीं। हाँ, खुश नहीं कहा हम, खुश नहीं, लेकिन वही जनता में परेशान है। चलिए भैया, आपका नाम क्या है? हमारा आसाराम साहब। आसाराम जी, क्या लग रहा है इस बार माहौल बाराबंकी का? अरे बाराबंकी सब ठीक है साहब। किसका है दिख रहा? अरे अब हम कीका बताए जो को हो जाए बनो है। आप अपनी दिल की बात बताइए आसाराम। हम तो दिल के बात, हम तो साइकिल के हाई है मने। अच्छा, आप साइकिल के हैं? हाँ, साइकिल के। साइकिल किसके साथ गई इसको पता आपको? अरे वो मारो जहाँ जाए तहाँ मारो साइकिल मारो जावे करिए। आप कमल के साथ नहीं है? हाँ, साइकिल के साथ है। चलिए ठीक है भाई, सबकी अपनी अपनी राय है।
दादा आप दो मिनट, दादा है दादा, दादा दादा दो मिनट आपसे भी। क्या नाम है दादा अपना? हमारा नाम सर्वजीत है। क्या लग रहा है इसमें बाराबंकी का माहौल कैसा दिख रहा है? गठबंधन हो गया है, साइकिल पंजा एक हो गया है, तो बढ़िया खूब लड़े हैं, खूब लड़े दोनों जने। किससे लड़ाई हुई है? अब हम के बेचारे नहीं कहना। साइकिल पंजा भारी रहेगा कि नहीं रहेगा कमल पे? मगन जोर लगे भारी रहे। अच्छा मगन जोर लगे हैं तो। हाँ हाँ। अरे क्या लगता है कि बीजेपी ने काम किया कि नहीं बाराबंकी में? तो हमको नहीं दिखाई पर काम कहाँ के कहाँ कहाँ। अच्छा आपको नहीं दिखाई पड़ रहा। चलिए दादा आपसे पूछ लेते हैं दो लाइन। अरे अब यही लिए आप खड़े भाई, हम कब पूछे पड़ी आपसे? दादा दादा चेहरा देखो भाई, अब आप ना बताओ रात को बताइए, हम इतनी दूर से आए हैं। क्या नाम है? लल्लू राम। लल्लू राम दादा क्या लग रहा है माहौल इस बार? अरे बीजेपी इतना काम कर दी तो कुछ कहा कि नहीं। क्या काम करी सर? बहुत काफी सब सड़कें बनी पड़ी देख ली। हाँ और कहा दादा कहा कि बीजेपी में कुछ काम ही नहीं बहुत पीछे। 2000 रुपया आ रहा है, जाएगा भाई दादा थी भीड़ लाग है। हाँ और कहा तो दादा तो कह रहे कि बीजेपी में कुछ काम ही नहीं बहुत। अरे दादा चूतिया दादा चूतिया काम हुआ है और कहा बहुत। ये जो गठबंधन हुआ दादा यहाँ पर, ये यहाँ कौन गठबंधन? अरे तनुज पुनिया गठबंधन में आए ना। अरे तो जीत जी है कौन तनुज पुनिया और बीजेपी? आप तो कह रहे बीजेपी जीती। अरे बाप जब गठबंधन है तो बीजेपी कहाँ जीती है? एक बंधन है ना। अच्छा जीती बीजेपी, जीती बीजेपी। अच्छा मोदी ने क्या किया है? मोदी सब कुछ करी ना, राम मंदिर बनवा दी। हाँ, हाँ। तो इससे अच्छा और कौन काम कर पाई? अरे अखिलेश राहुल साथे आ रहे हैं, कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास उन्हीं की सरकार में हुआ रहा है। अब सरकार विकास कुछ जाने नहीं मिलती कम हुआ है। हाँ। लेकिन आप जो है भाजपा के साथ? हाँ, हाँ, भाजपा में वोट दे थे। काम हम भोग नहीं बाराबंकी? अरे बाराबंकी एकदम चमकत है, बाराबंकी चमकत है। और चलिए ठीक है, फिलहाल आपको बता दूं मैं कैसरगंज चौराहे पर, यहाँ पर मैंने बुजुर्गों की राय ली है और मिली जुली राय लोगों की यहाँ पर देखने मिली लोकसभा चुनाव को लेकर। आइए आपको ले चलते हैं बाराबंकी के दूसरे छोर पर।